नमस्कार दोस्तों, तो ये देखिए स्कोडा ऑक्टाविया आइलैंड के टॉप वेरिएंट। आप एक बार इसकी फ्रंट लुक देख लीजिए, देखिए और इसके डिग्रस देखिए। इसकी आज हम टॉप फीचर्स की बात करेंगे कि मैंने क्यों स्कोडा पे 33 लाख स्पेंड किया। और ये देखिए इसका डिग्रस, ये टॉप मॉडल आइलैंड के में ही आते हैं। एक वन ऑफ द रीज़न था कि मैंने टॉप वेरियंट जो चूज़ किया उसके ऊपर, एक तो ये थे कि डीआरएल्स जो हैं मुझे इसके बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इसके कुछ अलॉय है तो वैसे इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन ये लगते बहुत सुंदर हैं, मेरे को तो अच्छे लगे थे। खैर ये तो ये इसके अलॉयज़ हैं। और इसके एक बार मैं आपको इसकी जो रेयर एंड की लाइट्स हैं ना वो भी दिखाता हूँ कैसी हैं। ये देखिए इसकी रेयर एंड्स की जो लाइट हैं कितनी फैंसी हैं, और रात को काफ़ी सुंदर लुक देती हैं। और जो अंदर की इसकी लाइटनिंग है वो भी मैंने वीडियो लास्ट में शेयर करूंगा, मैं वो जरूर देखिए वीडियो आप एंड तक। तो इसकी ये फ्रंट लुक है, और इसके मैं अब आपको जो है स्पेस दिखाता हूँ कि इसका जो स्पेस है वो स्पेस ये कितनी गाड़ी स्पेशियस है। ये देखिए आप जब इसको ओपन करेंगे तो आप बूट को यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, और जो की है हमारी की में भी जो है ऑप्शन दी गई है। ये देखिए इसको प्रेस करूँगा तभी भी जो है वो बूट जो है ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये पूरे का पूरा ये माउंट हो जाता है ऊपर को। ये देखिए मतलब शीशे के साथ ही, और स्पेशियस देखिए आप कितनी इसके अंदर जो इसकी बूट है स्पेस कितना ज़्यादा है इसके अंदर। ये देखिए तो इस पूरी फैमिली ट्रिप में अगर आप कहीं जा रहे हैं लॉन्ग रूट ट्रिप पे तो आप रख सकते हैं यहाँ पे कोई कांच का सामान या कुछ फूल गुलदस्ता मिठाई रखनी हो तो ये स्पेशल यहाँ पे हुक्स दी गई हैं, ये कुछ नेट्स दिए गए हैं यहाँ पे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनका काफ़ी ध्यान रखा गया है। और अगर आपने बंद करनी है तो यहाँ पे एक बटन दे रखा है, आप इसको प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से बंद हो जाएगा। और इसका जो इंजन है वो ऑडी के साथ शेयर्ड है, दिखाता हूँ मैं आपको। वो भी जो रीज़न था कि मैंने, एक वन ऑफ द रीज़न था, अगर आप इसको हैंडल को ये देखिए ऐसे खींचेंगे तो वो देखिए तो वहाँ से जो इसकी हुक है वो ओपन हो गई है। ये देखिए तो इस तरह से आप इसको, और ये भी जो है पूरा हाइड्रोलिक है। ये देखिए आपने इसको हल्का सा बस ऐसे पुश करना है और ये अपने आप, ये देखिए ऊपर को उठ जाएगा। ये देखिए 190 PS और 320 टॉर्क है इसका, काफ़ी पावरफुल और साइलेंट इंजन है। एक बार शीशा बंद होता है और आप पैडल को हिट करते हैं तो एक गाड़ी रॉकेट बन जाती है पूरी। मैंने इस गाड़ी का फुल रिव्यू भी किया था ड्राइव के साथ, उसमें आपको इसकी थोड़ा मैंने बूस्ट करके दिखाया था रेस को कि कैसे पुश करती है ये। तो एक रीज़न ये भी था मेरा कि इसका जो इंजन है वो बहुत सॉलिड, और इसकी सस्पेंशन बहुत पावरफुल है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही कंफर्टेबल है। आप ठड देखिए, आप ठड की कितनी आवाज़ आती है। ये देखिए इसका साइड लुक दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इसका प्रॉपर साइड लुक, काफ़ी लंबी गाड़ी है ये लेंथ में। ये स्लाविया और वरना होंडा सिटी जितनी भी सेडान है उन सबसे ये लंबी गाड़ी है। ये देखिए अंदर से कुछ जो इसका डैशबोर्ड है वो ऐसा है। इंजन को हम स्टार्ट कर लेते हैं, और एक इसका और आपको फीचर बताता हूँ जो मुझे बहुत ही पसंद है। एक्चुअली जब मैंने नई नई गाड़ी ली थी तो मुझे पता नहीं था, गाड़ी की ब्रेक अपने आप लग जाती थी, तो मुझे एक दो बार ऐसा लगा भी जैसे गाड़ी हिट हो गई हो, लेकिन इसके अंदर मैन्यूवर ब्रेकिंग का जो है वो ऑप्शन है। सॉरी सॉन्ग्स चले हुए थे इसमें, इसको हम साइलेंट कर देते हैं। और अगर इस पर आप जाएंगे पार्किंग असिस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो ये गाड़ी जो है अपने आप, अगर मैं इसको ये बंद कर देता हूँ और लेफ़्ट इंडिकेटर में ऑन करता हूँ तो ये दिखाएगा कि स्पेस में करता हूँ स्टार्ट। ये देखिए टायर जो है इसका अपने आप घूमना शुरू हो गया है, और उसके बाद स्टीयरिंग इंटरवेंशन एक्टिव मॉनिटर एरिया अराउंड व्हीकल, ठीक है। उसके बाद मैं ड्राइव पे क्लिक करना, आप ये देखिएगा कि जो ऑटो पार्क है ना इसका फीचर वो देखिए आप। मैंने सिर्फ प्रेस किया है और गाड़ी जो है वो अपने आप घूम जाती है। ये देखिए क्योंकि ये सारा एरिया खाली है तो ये फ़िलहाल ऑटो पार्क दिखा रहा है। तो ये देखिए इसमें एक ऑटो पार्क फीचर जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, और एक मैन्यूवर ब्रेकिंग की जिसकी हम बात कर रहे थे वो भी दिखाता हूँ आपको। इसके अगर हम इस पर जाएंगे, उसके बाद हमने पार्किंग सिस्टम में जाना है, किसको क्लिक करना है, और इसकी सेटिंग्स में जाना है हमने, और ये लिखा आ जाएगा मैन्यूवर ब्रेकिंग। तो इसको हम ऑन या ऑफ़ भी कर सकते हैं, और मैं इसको हमेशा ऑन ही रखता हूँ,
क्योंकि ये सेफ्टी वाइज जो है काफ़ी मतलब मुझे सॉलिड फ्यूचर लगता है ये। बाकी इसमें ये देखिए कूलिंग, इसमें कूलिंग जो है ये इसका बॉक्स भी कूल है, और यहाँ पे भी जो है इसका अंदर से भी जो टच है इसका वो काफ़ी, ये देखिए सॉफ्ट टच है इसका अंदर से भी। यहाँ पे भी जो है देखिए सॉफ्ट टच दे रखा है, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच दे रखा है। डोर्स के अंदर ये देखिए मेमोरी फंक्शन जो है, मैं आपको दिखाता हूँ विंडो खोल के, ये देखिए मेमोरी फंक्शन जो है वो थ्री मेमोरी फंक्शन हैं इसमें सीट्स में। तो गाड़ी जैसे सर्विस वगैरह के लिए जाती है, तो अगर मेमोरी फंक्शन में दोबारा से इसको मैंने वन पे सेट किया हुआ है अपने अकॉर्डिंग, और यहाँ से कुछ इसका इस तरह का जो है वो डैशबोर्ड का आप देखिए इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसका। ऑयल चेंज सर्विस इन 7 डेज़, क्योंकि इसको अब 1 साल हो चला है, तो हमने ये मैंने चलाई बहुत कम है, देखिए 4000 किलोमीटर ही सिर्फ ये गाड़ी जो है मैंने अभी तक चलाई है। ज़्यादातर मेरी ऑफ रोडिंग मैं थार में ही करता हूँ, ये मैंने फैमिली के लिए रखी हुई सेडान, अगर कहीं ट्रिप लोकल वगैरह करना हो तो। ये इसमें जो ये हेडलाइट्स हैं ये देखिए, ये भी ऑटो है, काफ़ी इसका डैशबोर्ड ना सुंदर है ये देखिए। और यहाँ पर मैंने जैकवार लगाया, मैंने किसी BMW में देखा था ये जैकवार लगा हुआ, तो मुझे बहुत ही इसकी लुक एनहांस करने के लिए मैंने स्पेशल ये जैकवार का जो है यहाँ पे सेट लगा रखा है। तो ये कुछ इसके फ्यूचर, और गाड़ी स्पेशियस बहुत ज़्यादा है, आपको इसकी पीछे से भी जो है इसका मैं एक बार आपको जो है लेग का स्पेस दिखाता हूँ, मतलब इसमें पूरी फैमिली बहुत अच्छे से कंफर्टेबली बैठ सकती है। ये देखिए गाड़ी में स्पेस बहुत ही ज़्यादा है, ये देखिए, ये देखिए, और यहाँ से मेरी आप हाइट देखिए, मैं 5'6" के आसपास हूँ, और हेड स्पेस देखिए मेरा काफ़ी जो है मतलब खुला है यहाँ पे, ये देखिए। और ये देखिए लेग स्पेस भी जो है बहुत ज़्यादा है, लेग स्पेस आप जैसे मर्जी ऐसे रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं, ये देखिए। तो इसमें ये अगर आपने मैग्नेटिक कवर जो है ये मुझे पीछे से ही मतलब लगे हुए मिले थे, लेकिन चंडीगढ़ में जो है इसका चलान है, तो अगर आपने इसको सेट करना है, ये मैंने वैसे कभी सेट किए नहीं और मुझे आते भी नहीं करने, आई थिंक ऐसे सेट हो सकते हैं ये देखिए। तो इस तरह से आप उस विंडो का भी जो है वो सेट कर सकते हैं, तो धूप वगैरह से बचने, मतलब काफ़ी कम्फर्टेबल होटल ही आए ना चलता फिरता। तो इस तरह से हम इसकी हुक्स को निकाल देते हैं, और जैसे ही रात होती है तो आप देखेंगे वहाँ पे सामने जो है पूरी लाइट्स वगैरह जो है वो ऑन हो जाती हैं, ये देखिए सामने डैशबोर्ड पे है जो इसकी वो लाइट्स वगैरह जो है ऑन हो जाती हैं। वो एंड में मैंने वो वीडियो भी मैं जरूर अटैच करूँगा इसके साथ। सो इस तरह गाड़ी में स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, ड्यूल जोन एसी है, ये देखिए यहाँ पे पोर्ट दे रखा है, अगर पीछे आपने अपना फ़ोन वगैरह चार्ज करना है या कुछ करना है, ये देखिए आपको थर्ड सुनाता हूँ मैं, ये देखिए काफ़ी 5-स्टार कार है, और यूरोपियन के हिसाब से जो है इसको तैयार किया गया है। और यहाँ पे भी देखिए ट्विटर दे रखा है, यहाँ पे इसका साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है। एक मुझे जो रिग्रेट है, मुझे लगता है कि जब मैंने गाड़ी ली थी ना तब कैंटोन के जो स्पीकर से 12 जो सब सुपर में भी आते हैं वो डिसकंटिन्यू कर दिए इन्होंने, मुझे वो बहुत डिसअपॉइंट था। ये देखिए यहाँ पे आपको रेड लाइट दिखाई देगी हल्की सी, मैं जूम करता हूँ, ये देखिए। तो ये इसकी जो है वो इंटीग्रेटेड लाइटिंग है, ये रात को मैं वीडियो अटैच किया है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये देखिए यहाँ पे ये भी टच दे रखा है, ये देखिए डायमंड्स जो है वो लाइट्स हैं इनकी, रात ये आपको अभी बहुत कम दिखाई दे रही है लेकिन रात को इनकी बहुत ज़्यादा लाइट है, ये देखिए। अच्छा डबल टच करेंगे तो हम इसकी लाइट जो है वो तेज़ हो जाएगी, ये देखिए ये भी सेंसर बेस लाइट्स हैं। एक हुक्स यहाँ पे दे रखी है आप हैंडल पकड़ने के, मतलब कंफर्ट क्या, तो यहाँ पे स्कोडा ने पूरा ध्यान रखा है, ये देखिए। स्लाविया वरना होंडा सिटी तो मेरे सेगमेंट से बाहर से ठीक है, वो CVT इंजन है, काफ़ी उसकी काफ़ी जो है वो फेमस है CVT इंजन भी, लेकिन मेरे को CVT बहुत ज़्यादा स्लो और डल लगा, तो इसलिए वो मेरी लीग से बाहर होगी। हाँ मैंने वॉक्सवैगन की वर्सेस जरूर बुक करवाई थी GT, लेकिन वो भी मुझे इतनी प्रीमियम नहीं लगी जितनी ये गाड़ी प्रीमियम है, मुझे वो इतनी गाड़ी प्रीमियम नहीं लगी। इसकी छत देखिए, मतलब इसमें हर एक चीज़ का बारीक से बारीक चीज़ का भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है ऑक्टाविया में, मतलब अगर आप 34 लाख स्पेंड कर रहे हैं तो वो वर्थ है। मुझे इसके साथ डिस्काउंट मिल गया था 2 लाख के आसपास, क्योंकि गाड़ी दिसंबर मॉडल थी और वो डिसकॉन्टिन्यू हो रही थी, दोबारा 2024 में लॉन्च होनी है ये, तो मैंने अच्छी डील थी मेरे, तो मुझे वो डील मिल गई। 6 साल का इसका मैंने गारंटी का पैकेज लिया, 4 साल का इसका मेरे पास सर्विस मेंटेनेंस पैकेज लिया मैंने, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। और एक बार ये रात को गाड़ी मेरी गलती के कारण, मैं अपने दोस्त को चलती गाड़ी पे इसके फ्यूचर दिखा रहा था, तो वो नीचे से एक बार टच हो गई थी हल्की सी,
तो गाड़ी को 20-21 दिन लगे थे, लेकिन हसल फ्री था, कुछ हरासमेंट नहीं थी, टाइम लिए उन्होंने ज़्यादा, लेकिन उसका टायर और अलॉय जो था वो ब्रेक हो गया था। तो वो स्पेशल मतलब अच्छा था, मुझे कुछ इतना वो नहीं लगा कि हरासमेंट है, ठीक है टाइम लग गया, लेकिन सब कुछ जो है था वो सही था। और गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ, जो आपको ये लाइन दिख रही है ना टच वाली, आप इससे भी वॉल्यूम ऑन, ये देखिए आप इसे भी बढ़ा सकते हैं और इससे ऐसे इसे कम भी कर सकते हैं, और भी इसमें काफ़ी फ्यूचर है। इसका मेन्यू दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, और एक बैकग्राउंड लाइटिंग, व्हीकल सेटिंग असिस्ट सिस्टम है इसमें, ऑल सिस्टम्स में आपको दिखाएगी ड्राइवर अलर्ट। एक बार क्या हुआ था कि इस गाड़ी चलाते चलाते जब मैं यहाँ से पटियाला जा रहा था, तो रास्ते में 3-1 बजे ये अलर्ट आया था मुझे। आई थिंक ये जो है सेंसर बेस्ड चीज़ है, अगर आप ऐसे पकड़ते हैं इसको थोड़ी देर के लिए और अगर आपको नींद भी आ रही है तो ये सेंस कर लेता है आपको ड्राइविंग को, और यहाँ पर ऑप्शन आता है कि प्लीज़ जो है स्टॉप द कार फॉर अ कप ऑफ टी। तो इस तरह का इसमें ड्राइवर अलर्ट सिस्टम भी है। अगर चलती गाड़ी में मैं विंडो नीचे कर लेता हूँ, तब इंफोटेनमेंट सिस्टम में वार्निंग आ जाती है कि जो गाड़ी का बैलेंस है वो ख़राब हो रहा है, तो आप काइंडली इसकी गुड एवरेज और माइलेज के लिए, सेफ्टी के लिए, आप विंडो जो है वो क्लोज़ कर लीजिए। सो इस तरह ये देखिए काफ़ी ना ध्यान बहुत रखा गया है। और ये देखिए ये चीज़ आप देख रहे हैं बारीक बारीक, मतलब जो इसका स्कोडा सुपर मेरे को पसंद थी, वैसे मैं आपको बताऊं सच में कि दिल की बात बताऊं, लेकिन जो उसका डैशबोर्ड था ना वो बहुत ही बिजी था। इसका देखिए कितना कूल डैशबोर्ड है इसका, मतलब ये चीज़ देखिए आप, गियर सिस्टम, तो इसमें एक पतली सी हुक सी दे रखी है जैसे लग्जरी जर्मन कारों में आती हैं, मतलब प्योर जर्मन कार जिसको हम बोलते हैं ना, वो चीज़ को ये डिफाइन करती है। और मैंने उससे पूछा था, जो मतलब स्कोडा का चेयरमैन थी वहाँ पे, मैनेजर से मेरी बात हुई, मैंने बोला कि इतनी महंगी गाड़ी में आप स्लाविया में आप जो सीट्स देते हो वो आपकी जो है उसमें वेंटिलेशन है सीट्स में, इसमें क्यों नहीं? वो कहते हैं ये यूरोपियन गाड़ी है, उसी के प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है, वहाँ पर इंडिया की तरह इतनी गर्मी नहीं पड़ती है, तो इस सीट्स में इसलिए इन सीट्स के ऊपर ज़्यादा जो है फोकस जो है वो हमने सेफ्टी वाइज किया है, वेंटिलेशन वाइज जो है हमने ध्यान मतलब नहीं दिया, क्योंकि यूरोपियन बेस्ड है और दोनों सीट्स पावर्ड हैं। लोअर मॉडल में ये चीज़ नहीं आती, लोअर में ये पावर सीट नहीं आती, लेकिन टॉप मॉडल में ये पावर आती है, अलॉय मिलता है, और DRL जो है वो फैंसी आपने सामने देख रहे हैं, DRL जो है वो इसके मतलब मिलते हैं। एक ऑटो पार्क का फ्यूचर मैंने 1-2 बार यूज़ किया है, ठीक है इंडिया में इतना सक्सेसफुल नहीं है, बट ठीक है थोड़ी बहुत ही अगर शेकी मार रही है आपने तो ऑटो पार्क फ्यूचर जैसे एंडेवर का है उससे थोड़ा बेटर है इसमें। और लुक वाइज यहाँ पे देखिए स्टोरेज बॉक्स के लिए यहाँ पे आप अपने सनग्लासेस को रख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा इस छोटी छोटी चीज़ों का जो है इन्होंने ध्यान रखा गया। ये भी टच दे रखा है यहाँ पे, डायमंड लाइट्स जो फ्रंट में दे रखे हैं, ये देखिए ये भी टच है, तो इसको हम ऑफ कर दें। तो इस तरह आइए मैं अब आपको वो वीडियो अटैच करके दिखाता हूँ कि रात को इसकी अंदर से कैसी लुक आती है। तो ये देखिए इस तरह से जो रात को है इसकी, आपको जो लाइट है वो आपको दिखेगी, ये देखिए इंटीग्रेटेड लाइट है ये, इस कलर जो है इसका हम चेंज कर सकते हैं, और ये लाइट पूरा ऐसे डोर के नीचे से ये देखिए निकलती हुई ऐसे आपको इसका जो है व्यू आता है। ये फिलहाल मैंने रेड कलर की हुई है और रात को ये बहुत ही सुंदर लगती है अंदर से, ये देखिए ऐसे ये जो है डोर्स के पास ये निकलती है। होम में अगर हम जाएंगे इसका मेन्यू, तो यहाँ पे इसकी जो है बैकग्राउंड लाइटिंग ये देखिए आ गई, उसके बाद आप इसका कलर जिस हिसाब से भी चेंज करना चाहें ये देखिए ये चेंज हो जाएगी, ये देखिए ये डार्क ब्लू कलर की जो है ये अगर हम करते हैं तो इसका कुछ ऐसा लुक आएगा, ये देखिए चलता फिरता रात को लगेगा आपको जैसे आप होटल के अंदर बैठे हैं, होटल ऑन द व्हील्स है, जैसे होटल ही चल रहा हो, ये देखिए रात को इसका ऐसा व्यू आता है। और डोर खोलूँगा तो ये देखिए नीचे जो है ये देखिए स्कोडा का लोगो इस तरह से आपको दिखाई देगा, दोनों डोर्स की डोर खोलने के बाद ऐसा ही आपको दिखाई देगा। और फ्रंट के DRL भी दिखा देता हूँ आपको जो ऑटोमेटिक है, ये देखिए तो दोस्तों ये मेरे स्कोडा ऑक्टाविया के आइलैंड के टॉप फीचर थे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो मैंने इसलिए ये आइलैंड के का वेरिएंट चूज़ किया। ड्राइव भी इसकी मैंने ड्राइव का भी रिव्यू डाला है, उसका मैं लिंक छोड़ देता हूँ कमेंट्स में,
और कमेंट करके आप बताएं भी आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।